अस्सलाम वालेकुम। आज हम सलवाल के बारे में पढ़ेंगे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसके फंक्शन के बारे में, और इस प्लांट और एनिमल सेल के दरमियान जो फ़र्क है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये पिछले वीडियो में हमने सेल के बारे में पढ़ा था, इस वीडियो में हम सलवाल के बारे में पढ़ेंगे। अब सलवाल किस चीज़ से मिलकर बना है? टाइप्स ऑन द बेसिस कंपोजिशन, यानी ये किस चीज़ों से मिलकर बनाया है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं फंजाई से। फंजाई सलवाल काइटिन से मिलकर बना है। दूसरे नंबर पर है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल पेप्टिडोग्लाइकन एंड म्यूरेन, यानी यह म्यूरेन से मिलकर बना होता है। प्लांट सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बना होता है। फंजाई और प्रोकैरियोट हम बाद में पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेलवाल के बारे, प्लांट सेलवाल के बारे में है। प्लांट सेलवाल को आउटर मोस्ट बाउंड्री इन प्लांट सेल कहते हैं, यानी आउटर मोस्ट बाउंड्री ये प्लांट की प्रोटेक्शन करता है। चलो, ये जो प्लांट दूसरे नंबर पे जो मैंने इधर स्ट्रक्चर बना हुआ है सेल का, मिडल लेमिला है, सेकेंडरी वॉल है, प्राइमरी वॉल है, इसकी कंपोजिशन की को पढ़ते हैं कि ये किन चीज़ से मिलकर बना है। मिडल लेमिला कंपोजिशन, ये स्टिकी पेक्टिन, ये स्टिकी इसको मजबूती देता है। ये प्रोटीन कैल्शियम मैग्नीशियम एंड साल्ट से मिलकर बना होता है। दूसरे नंबर पर है प्राइमरी वॉल कंपोजिशन। हाँ, प्राइमरी वॉल किस चीज़ से मिलकर बना है? ये सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन मीन्स सीमेंटिंग, और यानी इसको मजबूती देता है। तीसरे नंबर पर सेकेंडरी वॉल, ये किस चीज़ से मिलकर बना है? सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, लेगनिन। लेगनिन मीन्स स्ट्रेंथिंग सब्सटेंस, और ये भी इसको मजबूती देता है। इसके बाद एंटी टेस्ट में आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि मिडल लेमिला कहाँ पे पाए जाते हैं। मिडल लेमिला प्राइमरी वॉल और दूसरे प्राइमरी वॉल के दरमियान होता है। प्राइमरी वॉल कहाँ पे होता है? प्राइमरी वॉल मिडल लेमिला और सेकेंडरी वॉल के दरमियान में होता है। उसके बाद सेकेंडरी वॉल प्राइमरी वॉल और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में होता है। इसी के बाद हम जानते हैं कि एनिमल सेल और प्लांट सेल के दरमियान क्या फ़र्क है, इनमें क्या कौन कौन से ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। उसके बाद प्लांट सेल के फंक्शन के बारे में भी जानते हैं, इसके दरमियान सिर्फ फ़र्क जानते हैं। लेफ्ट साइड पे है प्लांट सेल और राइट साइड पर है एनिमल सेल। इसके सेल के दरमियान भी वाज़ फ़र्क हमें नज़र आ रहा है, लेकिन सेल वॉल प्रेजेंट है प्लांट सेल में, सेल वॉल एब्सेंट है एनिमल सेल में। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है प्लांट सेल में, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है एनिमल सेल में। प्लास्टिड प्रेजेंट है प्लांट सेल में, प्लास्टिड एब्सेंट है एनिमल सेल में। लाइसोसोम भी पाए जाते हैं प्लांट सेल में, और लाइसोसोम एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं। इसके बाद इसके फंक्शन के बारे में जानते हैं कि प्लांट सेल में कौन कौन से फंक्शन है। फंक्शन ऑफ सेल वॉल, मैकेनिकल सपोर्ट भी इसको देते हैं। सेल वॉल प्रोवाइड शेप, सेल वॉल इसको शेप भी देता है। द सेल वॉल इज इन प्लांट प्रोवाइड प्रोटेक्शन सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर एंड हेल्प रेगुलर ग्रोथ। सेल वॉल प्लांट में प्रोटेक्शन और स्ट्रक्चर और ग्रोथ में भी इसकी हेल्प करता है, वाइल आल्सो प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट एक्सटर्नल स्ट्रेस एंड पैथोजन, और दूसरे पैथोजन के खिलाफ भी इसकी हिफाजत करता है।